महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर, एनसीपी ने अब शिवसेना को ढाई ढाल साल मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया है। इससे पहले भी लगातार संजय राउत ये कहते रहे हैं कि शरद पवार से उनकी मुलाकात होती रही है और आज भी ये मुलाकात होगी। माना यह जा रहा है कि शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उससे पहले ही संजय राउत की मुलाकात हो सकती है। इस बीच ये भी एक बेहद अहम खबर कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे भी अब पहुंच रहे हैं मुंबई। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। दिवाकर, क्या अब ये माना जाए कि शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के इन प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है और मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए? बिल्कुल प्रशांत, कहीं ना कहीं शिवसेना जो है हर ऑप्शन खुले रखना चाहती है और 48 घंटे का महज वक्त बचा हुआ है 2014 में जो विधानसभा चुनी गई थी उसका कार्यकाल खत्म होने में, और इसलिए महाराष्ट्र में बड़ी ही तेजी के साथ राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा है। एक तरफ जो है कांग्रेस और एनसीपी की बैठक होनी है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार शामिल होंगे, दूसरी तरफ संजय राउत शरद पवार से मिल रहे हैं क्योंकि उन्हें एनसीपी की तरफ से जो प्रपोजल आया है उस पर बातचीत होगी ये कहा जा रहा है, और तीसरी तरफ खुद इस मामले में आरएसएस भी कूदी है। आरएसएस जब कल मुख्यमंत्री नागपुर पहुंचे थे आरएसएस दफ्तर में, वहां पर सियासी जो घटनाक्रम लगातार हो रहा है महाराष्ट्र में उसको लेकर चर्चा हुई थी, और एक खबर ये सामने आई थी न्यूज़ 18 के पास कि नितिन गडकरी को दोनों पार्टियों के शिवसेना और बीजेपी के बीच जो है वो गठबंधन कराने के लिए, उनको मध्यस्थता करने के लिए जो है वो अगर बोला जा सकता है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में जो है शिवसेना का जो स्टैंड सामने आया, संजय राउत ने थोड़ी देर पहले बात की है उसमें उन्होंने साफ कहा कि ना ही कोई प्रस्ताव आएगा ना ही कोई प्रस्ताव जाएगा बीजेपी की तरफ, जो पुराना प्रस्ताव जो तय हुआ था हमारा हम उसी प्रस्ताव पर अटक रहेंगे, यानी साफ है कि मुख्यमंत्री पद पर शिवसेना किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है, और इसीलिए शिवसेना के जो संजय राउत है आज शरद पवार से मिल रहे हैं क्योंकि एनसीपी ने उन्हें ऑफर किया है कि आप ढाई ढाई साल का सीएम जो है करिए और पहले आपका नेता जो है वो सीएम बनेगा ढाई साल, उसके बाद हम लेंगे। तो जाहिर सी बात है जिस तरह घटनाक्रम बढ़ रहा है